दुपट्टा जो है ना उसको पिंच कीजिए। बात उसको घबराहट हो रही थी मायके से ससुराल जाने हो। माता जी तो खुशी खुशी में दुपट्टा लेना भूल गई, सर पर तोलिए ले लो सर। तो दिवाली का सारा कुछ उन्होंने भेजा, बहुत खुश हो गई, दिवाली घर बैठे ही मिल गई। पुतन के यहाँ पर तुम लोग दिवाली लेकर गए थे? नहीं, तुम लोगों ने तो दिवाला निकाला उन लोगों का। मोटू के साथ अब जूटी करेगी कम बैक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड जी। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, पता नहीं मुझे, वो तो आप लोग भी बताओगे अपने कमेंट सेक्शन में, सॉरी मेरे कमेंट सेक्शन में। तो जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर देख ही लीजिए, और मेरे फेस पर स्माइल और मेरी आंखों की चमक देखकर आप समझ ही सकते हो कि वीडियो तो कुछ खास है। देखो खास तो ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी, लेकिन जुठियंका की कुछ बातें जो है ना निकल कर सामने आई। जुठियंका जो कल फ्रंटियर मेल बनी कल के एपिसोड में, और आज के एपिसोड में वो उतनी ही ढीली थी। कोई बात नहीं, तेल कम हो गया ना। मैंने पोस्ट भी थोड़ी सी शेयर करी थी, फिर मैंने कहा कि सारी बातें पोस्ट पर शेयर कर दूंगी तो फिर मैं वीडियो क्या बनाऊंगी, है ना। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जुठियंका ने लिया है अपे स्टैंड, ठीक है। तो वो जो उसने अपे स्टैंड लिया है ना, अब इसको मद्रासी भी सीखनी पड़ेगी। देखो जब से ये पटना गई हैं तो वहां पर जाने के बाद, है ना, तो वहां जाकर ये वहां की ही बोली बोलने लग गई, वहां के ही रंग ढंग में रंग गई है, अपनी लैंग्वेज भूल गई है। अच्छा इसको ये भी नहीं पता रहता कि पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसकी मदर टंग अगर पंजाबी है, लेकिन जहाँ की ये एक्चुअली में है, इसका जो बर्थ प्लेस है HP है ना, वहाँ की लैंग्वेज भी वो भूल चुकी है। कल अपने आप को ऐसा कुछ बनाकर दिखाने की कोशिश में लगी रही ये कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल। अब वो हंसी के कुछ पल जो थे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि अभी ये पनिहार जो भी कहती हैं, है ना भाई, मद्रासी में कहते हैं, वो उनका वहाँ का है, ठीक है। अब ये जो अप्पे वगैरह है जो ऑल ओवर इंडिया में बनते हैं, वर्ल्ड में भी फेमस हो गए होंगे, है ना, लेकिन इसमें ऑयल तो डलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अप्पे स्टैंड आ गया तो तुम इसमें कुछ भी बनाओगे। अच्छा अब ये भूल गई कि अप्पे स्टैंड है, इसने कहा वो जो मैंने कढ़ाई ली है ना, अब मैं उसको क्या बोलूँगी, कहती माइक्रोवेव वाली कढ़ाई। पहली बात है वो माइक्रोवेव पर नहीं बनता कुछ भी, उसमें बनता है गैस के चूल्हे पर ही, है ना, वो तुमने बनाकर देख भी लिया। अब इसको लगता हर चीज़ उसमें बनेगी, इडली भी बनेगी। भाई अप्पे मतलब अप्पे, है ना, वो जो तूने गोल गोल खाए ना पल्ले पप्पे, वो ही बनेंगे इसमें अप्पे। सूजी के बना लो, किसके बना लो, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो, माँ की दाल के पल्ले बना रही हो उसमें। नहीं, आइडिया तो मुझे यूनिक सा लगा ये भी, है ना, पर पल्ले जो होते हैं ना, इसका कहना कि पल्ले तो वो तो भैया फ्राइड ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद पानी में सोक करके आप दही में डालो। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं भी कभी ट्राई कर देखूंगी, क्योंकि जूठी का भैया कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जुठियंका ने ये दही वही ये सब चीज़ें तैयार करी इसने अप्पे उप्पे, उसके बाद ये कह रही हैं कि भाई देखो मैंने जो है दही तड़का भी तैयार कर लिया। मैंने कहा है इसने दही तड़का तैयार कर लिया, मैं तो यही समझती रही कि चिल्ले के लिए इसने बेसन का घोल बना कर रखा है। नहीं देखा तो आप लोग भी प्लीज़ देख लीजिए भाई, कल जो फ्रंटियर मेल बनी ना, ये ऐसे फास्ट फास्ट वर्ड बोली, तो कहाँ लोग इसको लिख रहे थे कि भाई तू इतना धीरे बात करती है, हम तेरे नौकर लगे हैं जो हम लोग मतलब बहुत ध्यान से बार बार बैक जाकर हम लोग तुम्हारा ये सुनते हैं, है ना, एपिसोड कोशिश करते हैं सुनने की कि तुम कहना क्या चाहती हो। आज मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसका एनर्जी लेवल जो है ना वो डाउन था। अब तेल तो उलंदर गया नहीं था, अब पानी से गाड़ी इतनी चलती नहीं है, है ना, पानी से खून तो नहीं ना बनता, हाँ समझो मेरी बात। कहते ना क्यों सबदा प्यो, है ना, वही चीज़। अब भाई घी वगैरह कुछ तो खाना पड़ेगा, पंखे की भी ग्रीसिंग करानी पड़ती है, नहीं तो मैंने देखो पंखा भी एक नंबर पर चलाते बंद किया, ये चू 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 करके इसने दिमाग खराब किया ना।
पंखे की भी ग्रीसिंग करानी पड़ती है, एसी की भी सर्विस करानी पड़ती है, ऐसे ही जुठियन का सर्विस करवाने के लिए खुद की एचपी गई। एचपी जाकर इसने संजू समोसे वाले के समोसे खाए। अब वो जो संजू समोसे वाले के समोसे खाकर इसने अपने आप में ईंधन भरा ना, तेल भरा ना, तो भाई वो तेल ने कल काम किया किया उसने। फ्रंटियर में बनी, फटाफट बोली, सब चीज़ें इसने बताई, और तो और कहाँ जे एक बच्चे की उम्मीद लगाकर वो बेचारी डॉक्टर यानी खड़ी है इसकी, है ना भाई, आ मेरे से ये हाथों से मेरे से बच्चा पकड़, मेरे तो हाथ थक गए, ये तीन बच्चों की उम्मीद लगाकर बैठ गए। बहन आज की तारीख में हम दो, हमारा एक, जो आगे आने वाली जनरेशन है ना 10 साल बाद, वो कहेंगे हम दो हमारा कोई नहीं, ना 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 ना, ठीक है, क्योंकि इस समय इतनी ही महंगाई है, बेरोजगारी है, और भाई सच्ची में बताऊँ ना, जीवन जो है ना सरवाइव करना फिलहाल मुश्किल है, एंजॉयमेंट भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसा ही पिछले दिनों आपको लगा था ना भाई, बहन भाई के रिश्तों को, भाई वो कितने गंदे लोग हैं सच्ची में, कितना स्ट्रेस भरा माहौल रहा है, लेकिन मैंने तो कुछ एक वीडियो बना के वहीं स्टिल रोक दिया। इतने गंदे लोग, सुबह देखो रात देखो, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हो सामने उनका वीडियो है ना। तो मेरे को लगा जब से ये मैंने झूठ, मैंने कहा झूठी तू तो भैया फिर से सही है ना, तेरे को देख लेना सही है, तुम्हारी अतरंगी हरकतें देख लें वो ज़्यादा अच्छा है। तो झूठी ने फिर वही ऐसी बातें करी, एक तो वो बेसन का घोल बनाकर उसने रख दिया, इसने तड़का का जब नाम लिया तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा तड़का, मेरे को तो लगा अभी तड़का लगाएगी, ये तो घोल बना कर रखा हुआ है इसने। और मोटू भी खुश हो, कहती आप कहते हो कि दो लोगों का काम ही नहीं होता, देखो कितना काम होता, 3 घंटे लग गए मुझे काम करने में, मैंने खीरा काटा, मैंने नारियल काटा, और मैंने ये बेसन का घोल बना कर रखा। और मैंने आप लोगों से पूछा भी, ये टेढ़े मेढ़े तवे कहाँ से लेती है, ये कौन सी कंपनी के टेढ़े मेढ़े तवे हैं, है ना, ये बताना मुझे। और जी संजू हलवाई के खाकर समोसे इसने भरा अपने में ईंधन। देखो एक चीज़ बताऊँ, गाड़ी भी जब ही चलती है जब उसमें तेल हो, है ना, ये तो फिर इंसानी शरीर है, कहाँ चलता, कमजोर आत्मा बन गई थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब संजू हलवाई के खाकर समोसे जो थोड़ा सा ईंधन लेकर आई है जे एचपी से, अब वो 20 दिन के लिए ईंधन यहाँ निकालेगी, उसके बाद फिर वहाँ जाएगी एचपी, है ना, तो फिर ढोल धमाके होंगे। इसने बोल दिया मैं आपको सरप्राइज नहीं बताऊंगी, सरप्राइज प्लान हो रहा है दिसंबर के लिए। अरे भाई हमें सरप्राइज पता है तुम्हारा, तूने जरूर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है ना, उसके ऊपर कुछ डीजे डूजे लगवा के वो शायद तुम कहोगी कि चलो खाना पीना करवा देते हैं, और मोटो के लिए एक पेटी ले जाना तुम, है ना, दारू वारू। वैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, ड्रिंक नहीं 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 शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, समझ लीजिए। वो सीन चला दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे इसको थोड़ी सी वीकनेस फील हुई तो ये फिर चली, ये चली सो चली, इसने कामवाली को भी साथ बिठाया, होस्ट हेल्प को, हेल्पर को साथ बिठा कर ले चली, चल तेरे को भटूरे खिला दूँ। और ये फिर वहाँ की ही बोली बोलने लगे। देखो हमारे पंजाब में जो छोले होते हैं ना, उसको छोले ही बोला जाता है, ठीक है, एक ही मात्रा ही लगती है उसको, अगर आग ही लग जाए ना वो गाली समझते हैं वहाँ पंजाब में। सो देखो सबकी जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन झूठी तुम्हें तो पता है ना, तो तुम ऐसा क्यों करती हो, तुमने क्यों नाम लिया वैसा, चलो कोई बात नहीं। आज अप्पे के लिए ये कह रही, मेरे परिवार वालों में से भी किसी ने नहीं सुना होगा ये अप्पा चप्पा चप्पा क्या क्या, है ना। तो झूठी मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे परिवार में आज तक जो कुछ भी हुआ सबसे पहले तुमने किया। देखो तुम लोगों को बेसन का पूड़ा नहीं पता था, है ना, जो हम बचपन से खा खा के बड़े हुए हैं। एचपी में बहुत सारे लोगों के घर बनते, तुम्हारे ताया जी के घर भी बनते, जिसको तुम लोगों ने नाम, देखो हिंदी में उसको चिल्ला बोलते हैं, साबदार चीज बोलूं, और यहाँ शादी ब्याह में दिल्ली में अब हम लोगों ने देखा मूंगलेट बहुत चलता है, जो मूंग दाल का चिल्ला होता है, ठीक है, लेकिन पंजाबी में बेसन के पूड़े कहते हैं। और एक चीज़ और बोलूँ, सावन के महीने में तो स्पेशली पंजाब के विलेज में, एचपी के विलेज में, इन यहाँ पर ना सबके वो आटे का और उसका घोल बनता है, गुड़ का घोल बनाकर ना उसके भी पूड़े बनाए जाते हैं, वो खीर के साथ खाते हैं, है ना।
एचपी की ये बातें करती है, बर्थ प्लेस इसका वो है, लेकिन खाने पीने इनके अलग हैं, एचपी का कुछ भी नहीं है, है ना। अच्छा, अप्पे बनाकर आपने एक डिश में भरकर रख लिए, ओके, सर्विंग बॉल में। भाई कौन ऐसे बनाकर रखता है, और उसमें जो मॉइस्चर है वो आ जाएगा। सब लोग गरम गरम खाते हैं नारियल की चटनी के साथ, लेकिन ये तो जुठियंका है ना, ये कुछ भी कर सकती है। सो आज जो इसने अप्पे बनाए ना, वो इसने बनाए चने की दाल के, उसमें बेसन ऐड करके। भाई चने की दाल ऑलरेडी बेसन है, ठीक है, उसमें बेसन ऐड करने की क्या ही जरूरत थी। मोटू भी खुश। और उसके बाद फिर मैं क्या बताऊं कि एक हंसी का सीन और भी आया कि ये ना कपड़े फोल्ड कर रही बैठी, कपड़े फोल्ड कर रही है, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, है ना, ऐसा कुछ। चलो ठीक है, जो भी इसके मन में चल रहा होगा, थोड़ा सा बचकानी हरकतें करती है कभी कभी, ऐसे साउंड करती है जैसे बड़ी छोटी बच्ची हो, इसकी देखा देखी वो कॉपी कैट बनती है इसकी भाभी भी चंपा। तो ऐसे ये कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो इतने में आवाज़ आई टिंग टोंग, है ना। तो इसने अपनी मेड को बोला कि जरा जाओ देखो कौन है। तो उसने खोला दरवाजा, तो मोटू की हुई एंट्री, कहती अरे आप कब आए। साथ ही में इसने एक म्यूजिक लगा दिया, बातें करती रही और सड़ा सा मुंह बना लिया, मुंह नीचे करके कपड़े फोल्ड करती रही। मैंने मन में सोचा, इसने कहा अरे तुम कब आए भाई, कोई पूछे टिंग टोंग अभी हुई तो आया भी वो अभी ना, है ना, लेकिन तुम्हारा माथा क्यों जुड़ गया, मतलब ये कि मैं तो जबलियां मार रही थी अपने व्यूअर्स के साथ, अब तुम आके बैठ के मेरा टाइम वेस्ट करने लग गया। मेरे दिमाग से वो जो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, डेली कंटेंट क्रिएटर, है ना, अब मेरा क्या कंटेंट होगा। तो मोटू कहता तू जबलियां मारती रहती, मैं तेरी परवाह नहीं करता, कहती तुम चुपचाप यहाँ से खिसक लो, तुम्हारा खाना पीना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा रखा है, वो सलाबा सा मॉइस्चर जिसमें आ गया है, वो सीमट जैसी रोटियां मैंने बनाकर रख दी हैं टिल्ली टाली सी, वो खाओ। देखो खाना जो होता है ये बात करती है ना कि भाई हेल्दी फूड हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड में खाना आप लोगों को ताज़ा खाना चाहिए, ना कि तुम 4 बजे बना दो उसको तुम 7 बजे खाओ, है ना, या 6 बजे खाओ, 3 बजे बना दिया, कभी कहती आज 12 बज गए 12:30 और रात तक की रोटियां सेक के रख दी, सारा कुछ बना के रख दिया, बेली हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज इसके एपिसोड में, बाकी हंसी वाली बातें ही हैं और कुछ नहीं। आपको देखना आज के एपिसोड में इसके कुछ भी खास नहीं है। हाँ कल का एपिसोड जरा मस्त रहा, मुझे मस्त रही व्यस्त रही। और एक चीज़ इसने कहा कि अरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शुक्र है मैंने उधर का दरवाज़ा बंद कर दिया, नहीं तो हवा आर पार हो रही थी। मेरे को इतना तो पता भैया, हवा जो होती है वो आर पार ही होती है, तुम्हारी हवा हर पार क्यों नहीं होती। किसी ने इसको कमेंट करा इंस्टा पे, उसने लिखा कि खाली पेट तुम रहती हो इसलिए तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं होती। बताओ इसके व्यूअर्स भी इसके जैसे बेवकूफ हैं, ऐसा कभी होता है बताओ। अभी संजू समोसे वाले के, उसने समोसे खाए हैं, इसका मतलब वो प्रेगनेंसी सीजन 3 खेल सकती है। अब तो प्रेग्नेंट उसको हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो उसने संजू समोसे वाले के समोसे खाए हैं, अब तो उसके पेट में ऑयल भरा हुआ है ना। यार इसके व्यूअर्स कैसी बातें करते हैं बताओ, प्रेगनेंसी से उसका विदाउट ऑयल खाना खाना कहाँ तक, मतलब यार साइंस ही नहीं है इसमें, लॉजिक ही नहीं है कुछ भी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा झूठी की एक दो तारीफों के पुल और बांध लेते हैं, ठीक है। अच्छा झूठी ने एक चीज़ें और बोली हैं। देखो एक तो उसको कैफेटेरिया से दिक्कत थी भी, गर्मियों में यहाँ बहुत परेशानी होती थी, यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन सर्दियों में मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा धूप सेकने के लिए। तो मैंने मन में सोचा कि भाई वो सर्दियों के लिए ही बना कैफेटेरिया, वो तुम लोगों जैसे ही, तुम्हारे लोगों के लिए ही बना है कि तुम लोग सर्दियों में ही आओ, गर्मियों में तुम आओ ही ना यहाँ पे, क्योंकि गर्मियों में एसी की हवा में बैठकर एक कप चाय पीना और 2 घंटे अपना टाइम पास कर लेना, है ना, इसलिए वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो स्टूडेंट के लिए है। लेकिन तुम वहाँ उस कैफेटेरिया में चली जाती हो अपनी मेड को लेकर, है ना। मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में एक सच्ची चीज़ बताऊँ, मैं अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी भी गई हूँ सब जगह, मैंने किसी की भी प्रोफेसर की वाइफ को ऐसे गाड़ी उठाकर चलते हुए
अपनी मेड को अपने साथ बिठाकर भटूरे छोले खिलाते हुए नहीं देखा। शायद वो किसी और कैफेटेरिया में आती हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है, नहीं देखा। ये सब काम जो है ना जुठियंका कर सकती है, लेकिन जुठियंका अच्छे कर्म कर रही है, जो अपनी मेड को खुश रखते हैं ना, खिलाते पिलाते रहते हैं, है ना, छोले भटूरे ये सब चीज़ें, चाय वाय ये सब, है ना। हाँ, तो अपनी किस्मत के वो दरवाजे खोल लेते हैं। अब बहुत बातें कर ली जुठियंका पे, चलो जुठियंका बहुत बातें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है तुम्हारे ऊपर। तुम HP आ ही तो रही हो, 15 दिन रहे कितने दिन के, एक बार फिर से तुम आओगी फिर तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर दुपट्टा के ऊपर भाई। दुपट्टा रोते रुलाते तू सवेरे चली जाएगी, बड़ा याद आएगी, भाइयों ने ऐसे गाना गाया। लेकिन वो कहते चल ठीक है अब तू गई जान छुट्टी, लेकिन इस बार दुपट्टा ने कहा मेरा दिल काऊ माऊ होता था, मतलब मुझे घबराहट हो रही थी जाने के टाइम। देखो मैं वो चीज़ें वो सीन उसका समझ सकती थी कि वो मायके से ससुराल जा रही थी, उसको अपने पापा की चिंता थी, है ना, परेशान थी वो, है ना भाई, काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया इसलिए, जहाँ फिर उसने क्लियर वो बात बता दी कि नहीं भाई सावन के महीने में भी रही हूँ मैं यहाँ पर आकर, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो मैं समझ गई भाई सावन के महीने में बड़की जिज्जी जहाँ थोड़ी ना थी, अब चार बातें तुम्हें वहाँ सुनने को मिली हैं, इस बार जो तुम्हारे साथ रवैया अपनाया उन लोगों ने मिलकर, है ना, जुठियंका के आने के बाद, भाई नीचे तुम्हारा है तुम नीचे रहो, हम घुसते नहीं हैं तुम्हारे घर में, ये है फला है डिंगना है, हमें वो अपनापन महसूस नहीं होता, ये सारी चीज़ें तो उसने व्लॉगिंग में बताई ना कि हमें अपनापन फील नहीं होता नीचे बिल्कुल भी, सब कुछ चेंज कर दिया, हम नीचे व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते, ये सारा कुछ उसने अपनी व्लॉगिंग में बोला। तो ये चीज़ें जो है इंतज़ार में बैठी ये दुपट्टा अपनी नंद के, तो नंद ने ये सारी बातें करी जिस वजह से दुपट्टा जो है ना वो हर्ट हुई, वो हर्ट हुई, वो छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाती है, वो मेरे जैसी है, बाकी मुझे पता नहीं वो मेरे जैसी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा सीधा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अब तुम मेरे को ना जिंदगी दुनिया में आए हुए इतने साल हो गए, तो बस इसी गम में मैं ऊपर भी चली जाऊंगी कि यार भगवान जी प्लीज़ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझ में थोड़ी सी चलाकी क्यों नहीं दी, मैं इसी गम में जाऊंगी। मैं सच्ची बात बता रही हूँ आप लोगों को, मेरा फ़ायदा पता छोटे बच्चे भी उठा ले जाते हैं, क्योंकि दिल से जब दिल से सोचते हैं ना, तो मेरे को तो ये लगता है कि भैया दिल के साथ ही कनेक्ट हम लोग हो पाते हैं, भगवान के साथ भी और इंसान के साथ भी, लेकिन जहाँ पर दिमाग यूज़ हो जाता है ना वो फिर कारोबार होता है, वो बिजनेस होता है, वो अच्छे बुरे की आपको यहाँ से पहचान होती है, ठीक है, वो कारोबार होता है। तो झूठी यहाँ से सोचती है, झूठी यहाँ से नहीं सोचती, ठीक है, क्योंकि झूठी ने कहा है कि छोटे गांव की एक लड़की ने, देखो दुपट्टा के बीच में इसको लाना थोड़ा ज़रूरी था, देखो क्योंकि देखो झूठी छोटे गांव की होने के बावजूद उसने पहला YouTube चैनल अपना ओपन किया और उसके गांव में किसी ने भी नहीं करा था, है ना, तो झूठी उसके लिए तो तुम्हारा गांव प्राउड फील करता है। अब पे भी पूरे गांव में किसी ने नहीं खाए, अब झूठी ने बताओ खा लिए, अब अगर इसके भाई बहनों ने खा लिए वो अपे, तो बताओ अनी आप बताओ मुझे, बताओ बताओ, फिर दबगे ना एहसान के नीचे, झूठी के और कितने एहसान करोगी बहन, क्या दुपट्टा ने सुना होगा उसने खाए भी होंगे। तो चलो दुपट्टा पर ही फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो दुपट्टा जो है ना उसको पिंच की ये बातें, उसको हर्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें दुपट्टा को घबराहट का जो कारण थी वो यही थी कि उसको घबराहट हो रही थी मायके से ससुराल जाने पर। और मैं तो हैरान थी माता जी घर में इतने सूट पहनते हो, इतने दुपट्टे हैं, इतना सब कुछ है, माता जी तो खुशी खुशी में दुपट्टा लेना भूल गई, पास पड़ा कहती तौलिए ही ले लो, सर पर तौलिए ले लो, सर ढक के देखो मेरे समधियों ने मेरे लिए क्या भेजा। पर फिर बाद में थोड़ा मन ऐसा हो गया कि हैं मुझ मरोड़ भेज दिए, मुझ मरोड़ कौन खाता है, खाते हैं वो टेस्टी होते हैं ना, वो सबसे पहले वाला उसने जो डिब्बा दिया ना ऐसे करके एक आते हैं ना, उसको कौन से पफ बोलते हैं भैया, इंग्लिश में तो उस पर पफ ही लिखा होता है, लेकिन हमारे लुधियाना में जलंधर में उसको मुछ मरोड़ ही कहते हैं।
ओके। और फिर मटरियां मुटरियां ये लेके आई, तो तोलिया सर पर इतना बड़ा लिया, कहती तो समान ये खाने पीने का, ड्राई फ्रूट किशमिश कितना कुछ उन्होंने भेजा इसको, भाई दिवाली उनकी वहां पर हुई है तो दिवाली का सारा कुछ उन्होंने भेजा। तो देखो दोनों दोनों हाथ लिया, दोनों दोनों हाथ है माता जी, सर पर तोलिया रख के दोनों दोनों हाथ लिया, शगुन भी लिया, उसने बोला कपड़े भी दिए हैं। अच्छा माता जी तुम तो बहुत खुश होगी, दिवाली घर बैठे ही मिल गई, बहू को तो दिवाली दी ही नहीं क्योंकि उसके पापा जी बीमार थे, चलो इनको तो मिल गई। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि भाई पुत्तन के यहाँ पर तुम लोग दिवाली लेकर गए थे? नहीं, तुम लोगों ने तो दिवाला निकाला उन लोगों का। भाई हमने इनकम दे तो दी, ये माता जी ने व्लॉगिंग में बोला था बड़की जिज्जी के, हैं तुम लोगों के घर की रोटी चला तो दी और तुम लोगों को क्या देते रहे, बस दिवाला निकाल दिया उन बेचारों का। अब बेचारे डरे सहमे से रहते हैं वो लोग, अब वो भी और इनके जो ताया जी पास में हैं वो भी, सब लोग डरे सहमे रहते हैं, भैया व्लॉगिंग में हमें ले लो, जो तुम लोगों को छोटा मोटा डॉलर कमाना कमा लो, भाई हम चैनल नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं तो तुम लोग जो है हमें छोड़ोगे नहीं। फिलहाल तो यही है कि ये लोग तो फिर भी इतने नहीं गिरे हुए, गिरे तो हैं, देखो गिरे तो हैं लेकिन इतने नहीं जितने कि वो यूट्यूबर, समझ गए ना, जिनके ट्रेंडिंग में जा रहे हैं अभी वीडियोस, बहुत चीप बहुत गंदे लोग वो। उनका वीडियो अगर आप लोगों की सजेशन में भी आए, आप लोगों के सामने भी आए, तो आप मेरी बात सुनिए, तो उसको ना कौन सा वो एक आ जाता है ना कि आपको नहीं देखना है वो करो, नहीं तो रिपोर्ट करो। क्यों नहीं देख, रिपोर्ट करोगे तो वो भी यूट्यूब पूछता है कि क्यों करी, तो आप बताओ कि ये व्यूअर्स को मेंटली हरास कर रहे हैं इनके वीडियो। और मतलब यार रिलेशनशिप को लेकर सच्ची में इतना कुछ उन्होंने गंदा कर दिया ना, क्या ही बताऊं। और इधर सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर मैं ये पॉजिटिव वीडियो लेकर आई हूँ, हंसी खुशी वाला लेकर आई हूँ, और ये कह रही हूँ कि मोटू के साथ अब जूटी करेगी कम बैक और देगी सर सबको सरप्राइज। अब उस सरप्राइज में अब ये जुठियंगा जो है बच्चा अडॉप्ट कर लेगी किसका, ये बता, जहाँ फिर ये इस तुम सिर्फ मैरिज की एनिवर्सरी प्लान करने के लिए भैया भाभी की तो आ रही हो, ये बताओ, जहाँ फिर मोटू के लिए कुछ और मैरिज प्लान किया जा रहा है वो बताओ। जुठियंगा ने एक बार फिर से पीआर करने क्रेश स्टार्ट, देखो पहले भी करती थी वो, पहले भी वो बंद नहीं किए थे उसने, अब फिर से कर रही है। अच्छा जो कह रही है ना कि दिस इज ए नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, समझो वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, क्योंकि अभी मेरे को भी इतने स्पॉन्सर वीडियो आ रहे लेकिन मैं कोई भी नहीं कर रही। आप लोगों को मिल रहा है कोई स्पॉन्सर वीडियो? नहीं ना, मैं कोई नहीं कर रही। अच्छा जुठियंगा कर रही है क्योंकि उसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है उनसे, वो मतलब प्रमोशन वीडियो के वो अच्छे खासे पैसे लेती है। हमारे अभी इतने व्यूअर्स नहीं, हमें भी फिर वो छुटकू छुटकू पिदकू पिदकू पैसे देते, मैंने कहा नहीं इतनी सर खपाई क्यों करे। और जुठियंगा अभी जो सूट की प्रमोशन कर रही है ना, तो उसका कहना है कि भैया ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, और आपको बताऊं अब कंपनी वालों के भी यही रूल है कि भाई आप लोगों को ऐसे दिखाना है कि आप लोग ये कपड़े जो हैं पहनते हो ये पॉकेट फ्रेंडली हैं, ये अच्छे हैं, ये ऐसे करके आप लोगों को बताना है कि जैसे आप रूटीन में ही इनके यूज़ कर रहे हो, ताकि व्यूअर्स को ये हमारे पता ना लगे कस्टमर को कि हम लोगों ने ये पीआर करवाया। क्योंकि फिर लोग क्या कहते हैं ना कस्टमर कि अरे भाई बेकार निकले कपड़े तो, है ना, या फिर कुछ भी ये बेकार निकला, ये सारी चीज़ें। आपको याद होगा कि इसने एक कढ़ाई भी ली थी चांदपुर में छोटी सी, अब उस कढ़ाई का नामो निशान नहीं। जब जब ये घर बदलती है ना, आप लोग ये देखिए इसके घर का खर्चा कितना हो जाता। अब इसने टोस्टर भी लिया था एक, है ना, वो पॉपअप वाला, है ना, वो भी लिया था इसने, वो भी मेड को दिया। मेड को क्या करना था इससे, अच्छा तो मोटू को रस दे देती, है ना, चाय में डबो के वो खा लेता, मस्त रहता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो ब्रेड का वो पॉपअप वाला लेना था, तुमने दिखाया। भाई ये उनके घरों में है जो कि डाइट कॉन्शियस तो छोड़ो, जो शुरुआत से इन सब चीज़ों के ना आदि हैं, आदत है उनको बचपन से। ये नहीं बचपन में तुम लोगों ने ज्वार मक्की की रोटी खाई है और अभी सडन तुम लोगों को लग रहा है कि भाई पॉपअप वाला, बचपन में तुम लोगों ने रस खाए हैं डबो डबो के, आज भी तुम बिस्कुट खाती हो डबो डबो के, मटरी भी खा लेती हो डबो डबो के,
तो अब तुम्हें चाहिए वो पॉपअप वाला, वो दिया एक कामबाली को है ना चांदपुर में, कामबाली ने दे दिया कबाड़ी को, कहती अरे भैया मैं इसका क्या करूंगी, मैं तो रस का एक पैकेट लूंगी, लाओ मेरे को 100 रुपया तुम दे दो। क्या फ़ायदा ये ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस हो के। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ अपनी पॉकेट जो है ना वो गड़बड़ मत करना। ये सारे जो सूट है ना ये पीआर के हैं। अब देखिए कौन अकलमंद लेडी जो है वो इतना कपड़ा परचेज करेगी हर महीने, सूट तुम्हें पहनने नहीं पहनने तेरे को फिर वही पजामे H&M के, और ये मंगाती क्या है। सुनो एक चीज़ रुको, अभी दो चीज़ें और आ गई मेरे दिमाग में। एक तो इसने हमें एक्सरसाइज आज करके दिखाई, एक्सरसाइज करते करते ये मुड़ी शीशे की ओर, इसने देखा अरे मेरी जो लाइन दिख रही है कि नहीं, देखा इसने दिख रही, फिर इसने बाल पीछे किए, इसने कहा कि मेरी नेक बोन दिख रही है कि नहीं, हाँ दिख रही है, और सा बेचारी का ऐसे सूखा हुआ कि क्या ही बताए। वो कहती मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल वो जो इसने सूट मंगवाया। भाई झूठी महा झूठी हो तुम, एज के अकॉर्डिंग आपको पता है वो एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं, इसको बोलो दिखाए एक्स्ट्रा स्मॉल उस पर लिखा हुआ एक्स्ट्रा स्मॉल। मेरी बेटी खुद इतनी बेचारी पतली है, अंडर वेट है, 40 kg उसका वेट है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल तो उसको भी नहीं आता, H&M का भी नहीं आता, स्मॉल आता है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा लूज लो है ना। ये तो भाई मेरे को ये लगता है अभी पैदा ही नहीं हुई जो ये बातें करती है। तो बाकी अब आप लोग डिसाइड करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या सच में ये इन तीनों में से जहाँ मोटू के लिए कुछ सोच रखा है, जहाँ बच्चा अडॉप्ट करने का सोच रखा है, जहाँ फिर वाकई में भाई भाभी के लिए कोई इन्होंने सरप्राइज प्लान किया हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।